कौन सी कह रहे हैं मैं पी गई सारी की सारी। ठीक है उम्मीद करके हम सब फिर से होंगे और अलहमदिल्ला आपके गाँव से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी, जैसे कहते ना बहुत ज़्यादा शदीद, आज बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। तो अभी उठी हूँ ठीक है, और ये देखें धूप की वजह से धूप लग लग के सारा सेल खुश हुआ पड़ा। तो मैं कहती हूँ कि अभी ना पाइप लेती हूँ, ठंडा करती हूँ, पानी तरोकती हूँ और ठंडा हो जाएगा सेल। तो करते हैं अभी हम अपना काम। पाइप का भी वजनी है, ठीक है पाइप का भी वजनी है, इसको लेके जाती है अंदर लगाती है इसके साथ मोटर के साथ। जब हमारा मकान ट्रेड वाला छोटा था तब हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पानी का इंतजाम नहीं होता था, तो फिर हमने ये पाइप लिया था 2000 का, यहाँ से लेके वहाँ तक 2000 का आया था, इतनी महंगाई थी। अरे पैन तक कसना है, मेरे ख्याल है इक्के से लगा नहीं हुआ, लगा दिया। दो दिन मौसम ठंडा रहा है, दो दिन मौसम दो दिन मौसम ठंडा रहा है, दो दिन ठीक है, और अब वैसे की वैसे फिर गर्मी होने लगी है, क्या करे बंदा। सुबह हर रोज हिंड सुनाई करते हैं हर रोज, मगर क्या करे इस वक्त इतनी गर्मी होती है कि फैन के ऊपर पहले फैन के सारे पूरे फैन में ना पानी इस तरह छिड़कते हैं, फिर चार पाइयाँ वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा पीने वाला नहीं है। सुबह सफाई कर ली थी, काफ़ी बड़ा फैन है, थक जाते हैं सफाई करते करते। टूबल पे जाएंगे सीधे, कपड़े भी जाकर धोऊंगी टूबल पे और नहाऊंगी, ठीक है बहुत मजे से वीडियो भी बनाऊंगी। अभी के पानी में निकल ली है सारी चार पहिया, पहले तो मुझे आपकी बताएं, मैंने आशा का आज कैचर लगाया है, मैंने मेरा नहीं है आशा का है, आशा का कैचर लगाया है बालों पे, कैसा लग रहा है। बाल भी काफ़ी मेरे गिर गए, पहले काफ़ी बड़े बड़े थे भारे थे, अब पता नहीं क्या हुआ है पानी चेंज होने की वजह से काफ़ी टूट गए मेरे बाल। तो शैम्पू ही बता दें कौन सा यूज़ करूँ जिसके साथ जो मेरे बाल हारे हो जाए। अभी हम निकालते हैं चार पाइयाँ, कूलर पंखा ना होता तो क्या बनता है, कूलर पंखा लिया तो सुकून है सच्ची, कूलर पंखा भी धोने वाला हुआ पड़ा है, कल धोऊंगी आज, काफी आगे आ गई इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए लेके काम, सुबह जब टीचर आता है बनाने के लिए ट्यूशन तो तब यहाँ रखते हैं बैग, तो फिर भूल ही जाती हैं या कमरे में लेट जाती हैं।
जो जो आपने मुझे कल कमेंट्स में जवाब दिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं अभी 4 रुपया रख लूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चादर वगैरह नहीं बिछाई, बस 4 पाई की जो होती है ना ये दामने, बस इस पर हम डाल लेती हूँ तो कभी नहीं 4 पाई के ऊपर बिछाना बिछाया, क्योंकि इतनी तो गर्मी होती है, नीचे बिछाए तो फिर चलती हूँ। चलो जी सारी 4 पाइयाँ उठा के सबसे पहले अम्मी की, नहीं सबसे पहले मुअज्जम की, उसके बाद नरीन की, तीसरी 4 पाई मेरी और चौथी अम्मी की। और हम लगाते हैं इधर कुल पंखा ताकि अम्मी को गर्मी ना लगे। अभी करते हैं स्कूल से कहते हैं बीकिंग सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पसीना फिर आया काम करके अभी तक, तो शाम काफ़ी मतलब अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी तो 5 बजे तो साढ़े पाँच हो गए हैं। तो सब्ज़ी मंगवानी है, सब्ज़ी बनानी है, उसके बाद अक्कर धोनी है, उसके बाद रोटी खानी है, काफ़ी लेट हो जाएगी, तो 10 मिनट लेट थी। तो जी जनाब जो जो आपने कल मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, आपने सब ने कहा कि हम जितने जितना हो सका हम आपकी हेल्प करेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, कि मेरी किराए से जान छूट जाएगी, मेरा अपना घर बन जाएगा, और आपकी हेल्प से मेरा जब घर बन जाएगा तो मेरे बच्चों को छत मिल जाएगी, जब छत इज़्ज़त की मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे, फिर अच्छे से अच्छे वीडियो बना के हम अपना घर का गुजारा भी करेंगे, और आपकी हेल्प से हमारा घर भी बन जाएगा, और मेरे बच्चे भी आपको दुआएं देंगे, मेरी बच्चियां भी आपको दुआएं देंगी, और मैं भी अपने खुदा से दुआ करूँगी कि आप जितना मुझे दें उससे बढ़कर आपको मेरा खुदा दे, आपको उससे बढ़कर नवाजे, आपको फील ही ना हो कि आसिया की हमने इतनी हेल्प की है, ठीक है। तो बहुत बहुत मेहरबानी, किसी मेरे दोस्त ने कहा है कि मैं 1 लाख रुपये आपको भेजूंगा, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, किसी ने कहा है कि हम जितने जितना भी हो सका हम आपकी हेल्प करेंगे, किसी ने सब ने मतलब भी कहा है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो मेहरबानी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं नंबर दे दूँगी और उस पर मेरा अकाउंट बना होगा, और या आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसमें आप भेजेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प से मेरा घर बन जाएगा। मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे, ताकि आपको महसूस ही ना हो कि आपने मेरी हेल्प की है, ठीक है। तो मेरे बच्चे मैं आपको दुआएं देंगे, जब हमारी घर हम जब हमारा घर बन जाएगा हमें इज़्ज़त वाली छत मिल जाएगी, हम दर बदर धक्के ना खाएंगे, ठीक है। तो मेहरबानी आपकी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द रब्ता नंबर आपको दिया जाएगा ताकि आप मेरी हेल्प कर सकें और मैं अपना घर बना के इज्जत से अपने बच्चों को लेके बैठ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।